सोशल मीडिया के इस दौर में छोटे छोटे कोटेशंस बहुत वायरल होते हैं जो पढ़ने में अच्छे लगते हैं। जीवन के सूत्रों को बताते हुए ऐसे ही कोटेशंस पर आपने ओशो रजनीश लिखा हुआ पाया होगा। आखिर ये ओशो रजनीश कौन थे और इनका जबलपुर से क्या नाता था? दरअसल ओशो रजनीश का जन्म रायसेन के कुचवाड़ा में हुआ था। यहाँ प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद वे जबलपुर आ गए थे। जबलपुर में इन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर वे बाद में रॉबर्टसन कॉलेज में दर्शन शास्त्र के शिक्षक हो गए थे और यहीं से उन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया था। प्रवचनों का यह सिलसिला जबलपुर से पूना मुंबई होते हुए अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में रजनीशपुरम नाम का एक शहर इनके अनुयायियों ने बसाया था जो बताते हैं कि लगभग 36,000 एकड़ में था। ओशो के नाम पर एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी थी जिसमें 9 जहाज थे, लेकिन फिर इनके विद्रोही स्वभाव की वजह से अमेरिका को इन्हें देश निकाला देना पड़ा। ओशो को करीब से पढ़ने वाले नितिन वर्मा का कहना है कि ओशो का विद्रोही स्वभाव जबलपुर से ही निर्मित हुआ था और स्थापित लोगों को चुनौतियां देना उन्होंने जबलपुर से ही शुरू कर दिया था। देखिए, रजनीश का जो रेबेलियन नेचर है सबसे ज़्यादा बॉम्बे और अमेरिका में दुनिया को पता चला, लेकिन एक मज़े की बात है, इसकी भी जो शुरुआत है, इसके भी जो बीज हैं वो उनके जबलपुर के जीवन में देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने रोल्स रॉयस वाली बात बताई थी, तो रजनीश की एक कार्यशैली थी, उसके चलते उन्होंने पोप को चुनौती दी या धार्मिक और आध्यात्मिक जगत की जितनी बड़ी से बड़ी शख्सियत हैं उनको उन्होंने सार्वजनिक मंचों से चुनौती दी। तो उसकी शुरुआत उनके जबलपुर के अध्यापक जीवन में हो गई थी। जब यहाँ पर ये अध्यापक थे तो फिलॉसफी के HOD से या डीन से या VC से सैद्धांतिक विरोध इन्होंने मोल लिया, उसकी पब्लिकली खूब चर्चा की, इन्होंने विरोध के साथ आलोचनाएं भी झेली, लेकिन इससे इनको जबलपुर में ही एक विद्रोही व्यक्ति का सम्मान भी मिलने लगा जो स्थापित परंपराओं का तर्क के आधार पर विरोध कर सकता है। बात कर रहे दुनिया पे भी देखिए, ऐसे तो स्थापित परंपराओं का विरोध तो नक्सलाइट भी करते हैं, लेकिन वो हथियार के बल पे करते हैं। इनका हथियार था तर्क और विद्वत्ता, ज्ञान, बोलने की शैली। तो ये जो इनके हथियार थे, इनकी जो प्रारंभिक आजमाइश हुई थी वो यही रॉबर्टसन कॉलेज और जबलपुर यूनिवर्सिटी में हुई। ओशो को कोई धर्म नहीं बांध पाया, उनकी रचनाएं सभी धर्मों में स्वीकार की गई। ओशो को कोई देश नहीं मान पाया, भारत से लेकर अमेरिका तक सब जगह उनके अनुयायी थे। और यदि ओशो के कोटेशंस या उनके सूत्र आज भी प्रासंगिक हैं तो हम यह कह सकते हैं कि ओशो को समय नहीं बांध पाया था। और एक सच्चा शिक्षक वही होता है जिसकी सिखाई हुई शिक्षाएं लोगों के जीवन को सुख और शांति से भर देती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ओशो अपने न होने के बाद भी लोगों के जीवन को आनंद से भर रहे हैं। विश्वजीत सिंह, ETV भारत, मध्य प्रदेश।